हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। तो आइए, आज हम लाए हैं बीकॉम सेकंड ईयर का ग्रुप ए का आंसर की। चूंकि काफ़ी लेट हो गया है, लगभग 2 से 3 दिन हो गए, लेकिन समय ही नहीं मिल पा रहा है, आप लोग से बताए थे इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो मैं सोचा हूँ कि कुछ MCQ आप लोग को बता दें। ग्रुप ए देखिए लिखा है बीकॉम सेकंड ईयर डीडीयू, और ग्रुप ए फर्स्ट एंड सेकंड पेपर मिक्स है, और इनकम टैक्स एंड कास्ट अकाउंटिंग का है। ये सारे क्वेश्चन बुक्स में से खोजे गए हैं, क्योंकि मेरे पास तो बुकलेट ही नहीं था, तो एक बच्चे के थ्रू बुकलेट मैंने लिया, तो सारा क्वेश्चन मैं बुकलेट से खोजा हूँ, और कुछ अपनी जानकारी के हिसाब से जो भी है फिलहाल ठीक है। लेकिन एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि विश्वविद्यालय के द्वारा कुछ चेंजिंग हो, क्लियर ना हो, तो आप उसको ध्यान में ना रखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आंसर की। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है 1, इसका दो ऑप्शन हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन एक सी भी हो सकता है और एक ऑप्शन ए भी हो सकता है। अब किसको विश्वविद्यालय मानेगा सही, किसको नहीं मानेगा, वो समय बताएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का है आंसर सी, क्वेश्चन 3 का है डी, क्वेश्चन 4 का आपका होगा ए, क्वेश्चन 5 का होगा बी, क्वेश्चन 6 का होगा डी, क्वेश्चन 7 का होगा ए, क्वेश्चन 8 का होगा सी, क्वेश्चन 9 का ए और क्वेश्चन 10 का डी। ठीक है, मिलाते जाइएगा, जहां डाउट होगा मैं आपको बता दूंगा। 11 में आ जाइए, 11 में है आपका बी, 12 में होगा बी, 13 में होगा ए, 14 में होगा ए, 15 में होगा ए, 16 में होगा बी, 17 में डी और 18 में ए, 19 में ए और 20 में सी। मिलाते जाइएगा आप लोग। 21 में आपका होगा बी, 22 में सी, 23 में डी, 24 में ए, 25 में होगा आपका डी, 26 में बी, 27 में ए, 28 में डी, 29 में सी और 30 में का ए। टिक लगा लीजिए बुकलेट से अपने। 31 नंबर क्वेश्चन में होगा ए, 32 में भी ए होगा और 33 में होगा बी, 34 में होगा ए, 35 में होगा सी, 36 सी, 37 सी, 38 डी, 39 सी और 40 ए। 41 में आ जाइए, 41 में होगा आपका डी, 42 में बी, 43 में डी, 44 में आपका भी डी हो जाएगा, 45 में भी डी होगा। 46 में है, 46 नंबर क्वेश्चन का बी, 47 का ए, 48 का सी और 49 का सी और 50 का डी। चूंकि समय कम है कि एक एक क्वेश्चन को मैं चाहते थे एक्सप्लेन करके आपको बताते, लेकिन थोड़ा इधर बिजी हैं इसलिए बता नहीं पा रहे हैं। वैसे आप पीछे का जो वीडियो दिया गया है उससे आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत आप लोग आंसर की मिला लीजिएगा, क्योंकि आगे एग्जाम है, उसकी तैयारी करिएगा, इसको ध्यान में न रखिएगा। ठीक है, 51 आपका है बी, 52 का हो जाएगा आपका बी, 53 का हो जाएगा डी, 54 का ए, 55 का डी, 56 का डी, 55 का डी होगा, 56 का सी होगा, 57 का फिर ए, 58 का डी और 59 का ए और 60 का बी। इधर लास्ट वाले इधर लाइन में आ रही है, 61 का हमारा होगा ए, 62 का सी, 63 का बी, 64 का ए, 65 का सी, 66 ए, 67 डी, 68 बी, 68 बी और 69 कितना होगा, सॉरी 69 का हमारा हो जाएगा डी और 70 का हमारा ए। इधर है 71 में आपका हो जाएगा बी और 72 का सी, 73 का ए, 74 का बी,
और 75 का डी। तो टोटल 75 क्वेश्चन आपके मिल गए। अब मिला लीजिएगा किसका कितना सही है कितना गलत है, जिस हिसाब से सही होगा उसी हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। और जितने भी ये 75 क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया है, प्रयास तो किया गया है कि पूरा सही हो, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन अभी मैं बताया कि भाई कुछ कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस हैं, जिसको अभी यूनिवर्सिटी किसको मान रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ऑफिशियल आंसर की आएगा, आप उससे मिलान कर लीजिएगा, फिलहाल संतुष्टि के लिए हमारे से मिलान कर लीजिए। और जैसे ही एग्जाम बीकॉम सेकेंड ईयर का समाप्त होगा, आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू थर्ड ईयर में लग जाइएगा। थर्ड ईयर के लिए भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको आप लोग देखते रहिएगा। जब तक क्लास नहीं चल रहा है, जब क्लास चलेगा तो क्लास में भी पढ़िएगा, वीडियो से भी पढ़िएगा, ठीक है। तो इसी तरह चैनल पर बने रहिए, जो चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन दिया बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों में शेयर करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।